Welcome to Brain Manual FAT program, Fingerprint Analyst Training Program, Module 2. इस मॉड्यूल में हम ये समझेंगे कि ब्रेन क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन के लोब्स के बारे में. तो ये सामने जो हमारे ब्रेन की इमेज है उसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ब्रेन मेनली चार लोब्स में बटा होता है, जो हमने चार अलग अलग कलर में दिखाया है. यहाँ पे एक लाइट येलो कलर में है, एक लाइट ग्रीन कलर में है, एक लाइट ब्लू कलर में है और एक लाइट पिंक कलर में है. जो सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट होता है वो होता है येलो कलर का. ये हमें सोचने, समझने और काम करने की शक्ति देता है, इसीलिए यही पार्ट हमें बाकी जीव जंतुओं से अलग करता है. जो हमारा ग्रीन पार्ट है या ब्लू पार्ट है या पिंक पार्ट है, ये हमें रोज़ाना एक्टिविटीज़ को करने के लिए काम आता है, जैसे कि प्रॉपर खाना, चीज़ों को समझना, देखना, सुनना, बोलना. ये चीज़ जो मेन फंक्शन है हमारे, उनके काम आता है. लेकिन उन फंक्शनों का प्रॉपर इस्तेमाल करना, उनको बढ़िया तरीके से आगे पेश करना, उनका सही यूज़ करना, ये हमारा जो येलो वाला पोर्शन है वो करता है. सबसे पहले अगर हम बात करें, जो येलो वाला पोर्शन है वो सबसे पहले आता है प्रीफ्रंटल, फिर आता है फ्रंटल. तो येलो वाला पोर्शन दो पार्ट में बटा होता है, फ्रंटल और प्रीफ्रंटल में. प्रीफ्रंटल ये डिसाइड करता है कि हम एक्शन किस तरीके से करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा करैक्टर कैसा है. फ्रंटल ये डिसाइड करता है कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कितना ज़्यादा और कितना बेहतर सोचते हैं. पैराइटल हमें बताता है कि किस तरह हम अपनी सूझबूझ से अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं. टेम्पोरल लोब हमें ये बताता है कि हम साउंड को किस तरह समझते हैं, उनको कैसे एनालाइज करते हैं और किस तरह उनका यूज़ करते हैं. ऑसिपिटल लोब हमें ये समझाता है कि हम जो देखते हैं उसको हम ये कैसे समझते हैं और उनका हम किस तरह यूज़ करते हैं. तो इस तरह हमारे पूरे ब्रेन चार लोब्स में बटा होता है, और जो हमारा फ्रंटल लोब सबसे मेन लोब होता है वो अलग से दो पार्ट में बटा होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीफ्रंटल और फ्रंटल. तो एक्शन और थिंकिंग वाला जो पोर्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का. दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखें इस इमेज को, तो पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब जो है, ये दोनों लोब एक ऐसे लोब हैं जो सारे ब्रेन के लोब के साथ कनेक्टेड हैं. जैसे पैराइटल फ्रंटल से भी कनेक्टेड है, पैराइटल टेम्पोरल से भी कनेक्टेड है और ऑसिपिटल से भी कनेक्टेड है. सिमिलरली टेम्पोरल भी तीनों लोब से कनेक्टेड है, इसीलिए ये दोनों लोब ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट लोब होते हैं. अगर इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरे ब्रेन को फंक्शन करने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये दोनों लोब सबसे प्रॉपर डेवलप हुए हों ताकि हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें, जैसे कि सुनना, बोलना, लिखना, देखना, ये सब चीज़ें हम प्रॉपरली कर सकें. अब इन्हीं चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करना ताकि दुनिया हमें काबिल समझे या हमें इंटेलिजेंटली यूज़ करना है इन चीज़ों का, तो हमें फ्रंटल और प्रीफ्रंटल लोब का इस्तेमाल करना पड़ता है. मान लीजिए कि आपका प्रीफ्रंटल या फ्रंटल लोब डेवलप नहीं हुआ है, आपके पीछे वाले तीन लोब डेवलप हुए हैं, तो वो आदमी सुन पाएगा, बोल पाएगा, काम कर पाएगा, देख भी पाएगा, लेकिन हम उसे कहते हैं कि उसके पास इन चीज़ों को यूज़ करने की अकल नहीं है. जैसे मान लीजिए एक पागल है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कब कौन सा काम करना है ये उसको समझ में नहीं आता. इसीलिए फ्रंटल का जो काम होता है वो इंसान के अंदर समझ पैदा करने का होता है. अब अगर मान लीजिए आपके अंदर प्रॉपर समझ है लेकिन आपका टेम्पोरल या पैराइटल लोब डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको साउंड्स को एब्जॉर्ब करने में, समझने में दिक्कत होगी, या बॉडी को प्रॉपरली मूव करने में या कुछ काम करने में या हाथ चलाने में दिक्कत हो सकती है. तो इन केसेस को हम कई बार ये कह देते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है. क्यों? क्योंकि शायद एक चीज़ के अंदर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पूरा का पूरा ब्रेन है वो एक तरह का शरीर होता है हमारा. तो अगर इसमें से एक भी पार्ट ढंग से नहीं काम कर रहा है तो वो पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है. तो जब भी ब्रेन की एनालिसिस करें, जब भी रिपोर्ट से ब्रेन की लोब की एनालिसिस करें, तो ये समझें कि कौन सा ब्रेन का लोब वीक है, कौन सा स्ट्रांग है. अगर पैराइटल और टेम्पोरल लोब में से दोनों में से कोई भी एरिया स्ट्रांग या वीक आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा बाकी ब्रेन के पार्ट्स को. अब
अब हम बात करेंगे कि ब्रेन फिंगर से कैसे लिंक होता है। पहले हमने देखा था कि ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट लोब्स कौन से हैं। ब्रेन बेसिकली दो पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारा राइट हैंड से कनेक्टेड होता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड होता है। जो हमने पहले देखा था फ्रंटल पार्ट और प्री फ्रंटल पार्ट देखे थे हमने, तो हमारा जो प्री फ्रंटल पार्ट है वो थंब से कनेक्टेड होता है, जो हमारा फ्रंटल पार्ट है वो हमारा इंडेक्स फिंगर से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा पैराइटल पार्ट है वो कनेक्टेड होता है मिडिल फिंगर से, टेम्पोरल कनेक्टेड होता है रिंग फिंगर से, और जो हमारा ऑसिपिटल होता है वो कनेक्टेड होता है लिटिल फिंगर से। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड से कनेक्टेड होता है पांच फिंगर्स के साथ। सिमिलरली हमारा राइट ब्रेन भी लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड होता है उन्हीं पांच फिंगर्स के साथ। अब जो हाईवे लेफ्ट और राइट ब्रेन को आपस में जोड़ता है उसे हम कहते हैं कॉर्पस कोलेजम, या हम उसको कहते हैं कि वो मिड ब्रेन भी है। ये डेटा लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में ट्रांसफर करता है, और राइट ब्रेन का डेटा लेफ्ट ब्रेन में ट्रांसफर होता है थ्रू कॉर्पस कोलेजम। तो इस तरह से फिंगर्स ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और इस तरह से मिड ब्रेन के थ्रू ब्रेन अपना इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो आपका राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, इसको हम एनालिटिकल ब्रेन भी कह देते हैं। जितना भी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या रीजनिंग का काम है वो सारा यही करता है। और ये भी बोला जाता है कि मेमोरी जो होती है लेफ्ट ब्रेन में एक लैंग्वेज की फॉर्मेट में स्टोर होती है। राइट ब्रेन की अगर बात करें तो वो बोला जाता है कि वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है हमारी। जितने भी हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बड़ा ओवरव्यू क्या है प्रॉब्लम का, बड़े लेवल पे चीज़ों को सोचना, वो राइट ब्रेन करता है। जितनी भी हमारी स्पेशल स्किल्स हैं, डांसिंग स्किल्स हैं या इमोशनल स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी स्किल्स हैं, वो सब राइट ब्रेन से आती हैं। और मेमोरी यहाँ पे ऑडियो, विजुअल और स्पेशल मोडेलिटीज़ के अंदर स्टोर की जाती है। इसको थोड़ा हम नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में दोनों का फंक्शन कैसे होता है, वो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। वो देखिए आगे, बच्चा पैदा होता है तो वो एक बिल्कुल नई दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे वो किसी को भी नहीं पहचानता, किसी को भी नहीं जानता, ना हमारी भाषा समझता है, ना उसे ये पता है कि हम कौन हैं। तो मान लीजिए कि ये एक खाली घर के समान है, जो बच्चा पैदा हुआ है वो मान लीजिए खाली घर के समान है, जहाँ पे अलग अलग लोग इस घर में आते हैं और इसमें कुछ रख के चले जाते हैं। मतलब उस बच्चे को आप अपने अपने तरीके से चीज़ों को सिखा रहे हैं कि बेटा आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसा करना है। तो जो चीज़ें आप बच्चे को सिखा रहे हो उसे हम ये मान सकते हैं कि आप अलग अलग लोग आकर उसके खाली घर में सामान रख रहे हैं। तो कोई आके सोफ़ा रखता है, कोई आके फ्रिज रखता है, कोई आके बेड रखता है। आप अपने हिसाब से बच्चे के घर को सुंदर बना रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो इस घर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। अब जब वो बाहर निकलता है दुनिया में जाके इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो कई बार उसको दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस होती हैं। क्यों? हो सकता है कि जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको नहीं चाहिए थी, या इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है कि उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करे और कौन सी ना यूज़ करे। इसीलिए बच्चा तंग आकर कई बार गुस्सा करना शुरू करता है, रिटेलिएट करना शुरू करता है। उसका मतलब ये होता है कि बच्चे के घर में इतना ज़्यादा सामान पड़ा है कि उसको फ्रीडमली मूव करने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपना घर साफ करना चाहता है। मतलब जो चीज़ें उसको नहीं चाहिए वो उनको बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए घर की सफाई करने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, घर में लोगों का आना बंद करता है। अब वो कहता है कि पहले मैं आपकी मर्जी से सुनता था, आपकी मर्जी से देखता था और आपकी मर्जी से करता था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से सुनूंगा, अपनी मर्जी से देखूंगा और अपनी मर्जी से करूंगा। इसलिए सबसे पहले वो लोगों का आना बंद करता है और घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आने के बाद वो एक रास्ता बना लेता है। रास्ता बनाने के बाद वो उस रास्ते से बाहर आके एक गेट लगा लेता है।
वो ये कहता है कि अब आपको मेरे घर के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं है। अगर आपको मेरे घर के अंदर जाना है तो आपको मुझसे पहले पूछ कर जाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों जाना चाहते हो। अगर मुझे अच्छा लगेगा तभी मैं डिसाइड करूँगा। क्योंकि वो अपना घर साफ करना चाहता है इसलिए सबसे पहले उसने घर में आने वाले लोगों की रोक लगा दी है, ताकि कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अब उसके पास ना जाए और जो उसको सही लगती है वही इन्फॉर्मेशन अब वो उठाएगा। अब जब लोग उसके पास आते हैं तब उनसे वो सवाल पूछता है कि आप क्या लाए हो, आप यहाँ क्यों आए हो, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, प्लीज़ यहाँ चले जाए, या ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। तो इस स्टेट में बच्चा जो है वो किंतु परंतु में लग जाता है, वो चीज़ों को एनालाइज करता है, क्यों आ रहे हो मेरे पास, क्या चाहिए आपको, मुझे ये नहीं पसंद है। और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक उसको ये लगता नहीं कि ये चीज़ उसके फ़ायदे की है, तब तक वो किसी भी आदमी को अपने घर के अंदर अब एंटर नहीं करने देता। ये जो स्टेट होती है जहाँ पे बच्चा रीजनिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, इस स्टेट को हम कहते हैं ये लेफ्ट ब्रेन होती है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो, बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो, किंतु परंतु बहुत ज़्यादा कर रहे हो, समझ रहे हो कौन सी चीज़ आपके लिए सही है कौन सी नहीं, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट ब्रेन। अब जब आप शाम को थक जाते हो, पूरा दिन भर लोग आपके दरवाजे पे आते रहे, आप उनसे मिलते रहे, समझते रहे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आपने एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, अब आप थक चुके हो, शाम हो चुकी है, लोगों का आना बंद हो गया है, और अब आप अपने घर वापस जा रहे हो। जब आप अपने घर वापस जाते हो तो ये जो घर जाने का जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं, ये आपका होता है मिड ब्रेन। जब ब्रेन इस स्टेट में होता है तो वो अल्फा स्टेट में मूव करता है। बेसिकली जब आप अपने थकी हुई स्टेट से घर जाके अपने घर को ठीक करने के प्रोसेस तक चलते हो तो उसे हम कहते हैं कि आप अपना जो पूरा डेटा था लेफ्ट ब्रेन वाला वो उठा के आप राइट ब्रेन तक लेके जा रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यू आर ट्रैवलिंग थ्रू योर मिड ब्रेन। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कि ब्रेन जो होता है इस टाइम अल्फा स्टेट में होता है, जिसे हम कहते हैं 7 हर्ट्ज से लेके 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ब्रेन यहाँ पे ऑपरेट करता है। ये जो माइंड होता है इस टाइम आपको नींद आ रही होती है, बहुत रिलैक्स होते हो, बहुत फ्री होते हो, ये जो स्टेट होती है या जो सोने से पहले होती है या फिर जब आप सोकर उठते हो तब आती है। अब बच्चा घर तक पहुँच चुका है, अब वो घर में जाके एंटर कर गया, अब जितने भी उसने इन्फॉर्मेशन उठाई है वो जाके यहाँ पे घर में जाके अपने यूज़ करता है, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको बाहर निकालेगा, जो चाहिए उनको रखेगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं राइट ब्रेन। तो यहाँ पे आदमी क्या करता है, जो भी दिन भर में जो चीज़ सीखी होती है उसको एनालाइज करता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। इसीलिए ये आपका एक सेंटर भी है अपने आप को चार्ज करने के लिए, इसे हम कहते हैं राइट ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन ऑपरेट करता है थीटा और डेल्टा स्टेट में, जहाँ पे 4 हर्ट्ज से लेके 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, और फिर जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो 0 हर्ट्ज से लेके 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है। अगर ब्रेन 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं कि बंदा कोमा में चला गया है। तो यूजली हम 4 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी पे डीप स्लीप में चले जाते हैं। यहाँ पे हम अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन होता क्या है, आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब बच्चा थक के घर पहुंचता है तो वो पहुंचते ही जाके वहाँ पे सो जाता है, वो वहाँ पे जाके घर की सफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा थका होता है उसके बाद भी अगर घर की सफाई करनी हो और उस पर जो कला लगती है वो हम बच्चे को सिखाते नहीं हैं। बेसिकली हम बच्चे को थीटा और डेल्टा लेवल पर जाकर कॉन्शियस होने की पावर नहीं सिखाते हैं। इसीलिए जब कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करें या थोड़ा ध्यान लगाकर बैठें, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो रास्ता बनाया गया है बच्चे ने, अब लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में जो रास्ता बनाया हुआ है इतना बड़ा, वो उसको आप छोटा करें। तो जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो जो रास्ता होता है ये गेट और घर के बीच में, ये कम होना शुरू हो जाता है, जो जब बच्चा पैदा हुआ था बिल्कुल था ही नहीं। इसीलिए जब मिड ब्रेन पतला हो जाएगा तो बच्चा बहुत ईजीली लेफ्ट से राइट ब्रेन इन्फॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफ़र कर पाएगा, और
जब शाम को थक के घर पहुंचेगा या रेस्ट लेगा तो बहुत इजीली अपने घर की सफाई भी कर पाएगा, मतलब अपने आप को समझ पाएगा कि उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसीलिए मेडिटेशंस करना, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाना, अपना ध्यान लगाना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कॉन्शियसली अपने राइट ब्रेन में जाकर अपने घर की सफाई कर सकें, जो चीज़ें नहीं ज़रूरत उनको हटा सकें, जो चीज़ें गंदगी मचा रही हैं उनको साफ़ कर सकें, और वही चीज़ें रखें जो आपको ज़रूरत है या आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। इस तरह आप देखें तो लेफ्ट राइट ब्रेन और मिड ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। अब अगर हम और डिफाइन करना चाहें कि लेफ्ट राइट ब्रेन क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी शिप है ये, जो हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाई जाती है। इसमें जो कैप्टन होता है उसको हम बोलते हैं कि वो लेफ्ट ब्रेन है। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड करता है कि शिप कहाँ जाएगा, और जो नीचे जो लोग चप्पू चला रहे हैं, नीचे जो हार्डवर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, हम उसे कहते हैं कि वो राइट ब्रेन है। अब ये कैप्टन की मर्जी है शिप कहाँ लेके जानी है, जैसे वो ऑर्डर देगा राइट ब्रेन वैसे ही परफॉर्म करेगा, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। कैप्टन जैसा बोलता है वैसे ही शिप को जाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि खतरा आ रहा है सामने, लेकिन कैप्टन की समझ ये कहती है कि इसको आगे ले जाना है शिप को, तो जब वो ऑर्डर देता है कि शिप को आगे लेके जाओ, तो राइट ब्रेन बिना किंतु परंतु किए, या नीचे वाले लोग बिना किंतु परंतु किए, उसको आगे उठा के आगे ले जाते हैं। तो इस तरह राइट ब्रेन जो होता है वो लेफ्ट का गुलाम होता है, लेकिन लेफ्ट को समझदारी दिखानी पड़ती है, सही तरीके से यूज़ करना पड़ता है, तभी वो अपने सही पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। अब जब हम हिप्नोटिज्म की बात करते हैं, तो हिप्नोटिज्म क्या होता है? मान लीजिए आपका कैप्टन बहुत बुरी तरह फंस गया है और उसको लगता है कि अब वो मर जाएगा या उसकी शिप किसी रास्ते पे नहीं जा रही है, तो हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं कि आपके कैप्टन को सुला दिया जाएगा। आपका कैप्टन हार मान चुका है इसलिए उसको हम सुला देंगे थोड़ी देर के लिए। दूसरा कैप्टन आएगा जो किसी और शिप का होगा, और वो अपनी समझ से इस शिप को बाहर निकाल के आपको छोड़ देगा और आपको बाद में जगा देगा। तो आप जब जागोगे तो आप देखोगे कि आपकी शिप जो है रास्ते से बाहर आ चुकी है। इस तरह हिप्नोटिज्म एक आदमी को मुसीबत से बाहर निकालता है। लेकिन अगर आप देखें, वो ताकत आपके अंदर भी होती है, आप अगर चाहते तो आप भी कर सकते थे जो बाहर दूसरे वाले कैप्टन ने किया है, लेकिन क्योंकि आप हिम्मत हार चुके थे इसीलिए वो बाहर वाले कैप्टन से करवाना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, और राइट ब्रेन ही है वो जो ब्रेन है जो उसकी कोई भी कमांड को, कोई भी विशेष को पूरा करता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका एक भगवान है जो आपको हेल्प करता है जो भी आप चाहते हो जिंदगी में पाने में। अगर और ब्रेन को हम समझें फंक्शनिंग को, तो ये मान लीजिए कि जो गार्डनर होता है वो लेफ्ट ब्रेन है, और जो आपका गार्डन है वो राइट ब्रेन है। गार्डनर जो बीज लगाएगा, जिस तरह का पौधा उगाएगा, उसी तरह का पौधा ही राइट ब्रेन उगाता है। अगर वो कंकर उगाएगा तो उसको पहाड़ बना देगा, अगर गुलाब उगाएगा तो उसको बड़ा फूल बना देगा। इसीलिए ये लेफ्ट ब्रेन डिसाइड करता है, या गार्डनर डिसाइड करेगा कि क्या उगाना है। जो भी आप सोचोगे, जो आप सोच एक बीज बना के बो दोगे, वही राइट ब्रेन उसका पहाड़ खड़ा कर देगा। राइट ब्रेन आपका गुलाम होता है, जो आप उसको बोलोगे वो उसको बड़ा कर देगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो राइट ब्रेन उसको और बड़ा कर देगा, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो राइट ब्रेन उसको और बड़ा कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप दृढ़ कर लें अपने आप को, और लेफ्ट ब्रेन को इतना सक्षम कर लें कि वो सही तरीके से राइट ब्रेन की फंक्शन को यूज़ कर सकता है, तो आप एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन आपकी 10% पावर माना जाता है ब्रेन की, और राइट ब्रेन 90% पावर माना जाता है आपकी ब्रेन की। वो क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन सिर्फ स्मार्ट वर्किंग करता है, वो सिर्फ दिखाता है, बताता है कैसे काम करना है। जो मेन काम मेहनत करनी है, जो चीज़ों को बड़ा करना है, वो सिर्फ राइट ब्रेन करता है। तो इस मॉड्यूल में हमने आपको ये समझाया कि किस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, और लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या होता है। इससे हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू। लिव हेल्दी एंड वेल्दी।